हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड चौथे सेमेस्टर से जो गणित आपका चल रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी तक दो लेक्चर्स के बारे में गणित की हम बात किए हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रकरण है वो था आपका घातांक यानी कि इंडिसेस के बारे में। तो यहाँ पर हम जो ये वीडियो है पूरी तरीके से घातांक के लिए है। घातांक है क्या, उनको आप कैसे जो है डिनोट करते हो, कैसे आप दर्शाते हो, परिभाषित करते हो, उसके बाद देखेंगे घातांक के कुछ नियम होते हैं और नियम पर आधारित कुछ सवालों के बारे में। जो अगला वीडियो होगा हमारा वो होगा करडी का घातांक यानी कि इंडिसेस ऑफ सर्ड्स, और करडी की जो संक्रियाएं होती हैं यानी कि ऑपरेशंस ऑफ सर्ड्स, उन पर हम जो है जो भी जोड़ घटाओ गुणा की संक्रियाएं हैं उसको लेकर के बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा घातांक को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। जब आप घातांक को समझेंगे तभी आप करडी के घातांक को समझ पाएंगे, और करडी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सूचकांक लिखा हुआ है कि इंडेक्स क्या होता है। कहने का मतलब ये है, पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि किसी संख्या का सूचकांक वह सूचकांक जो यह बताता है कि वास्तविक मूल्य को प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को आपस में कितनी बार गुणा किया जाए। आप समझ रहे हो, आधार संख्या को गुणा करने की बात की गई है। अब आधार संख्या को कितनी बार गुणा किया जाए कि कोई वास्तविक मूल्य या वास्तविक संख्या हमें प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं, यह आधार संख्या के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ एक छोटी सी संख्या के रूप में इंगित होता है। अभी ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, इसको मैं अभी लिख करके बता दूंगा यहाँ पर कि ये कैसे आप इसको डिनोट करोगे, कैसे आप इंडिकेट करोगे। ओके, लिखा है सूचकांक यानी कि इंडेक्स का बहुवचन ही घातांक कहलाता है। अब आपको समझ में आया होगा, जब आप लिखते हो ना इंडेक्स, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वही आपका इंडिसेस कहलाता है। आई एन डी ई एस ई एस, भाई एस लग जाता है ना लास्ट में, आप जानते हो एस आई एस प्लूरल में लग जाता है, ठीक है। तो ये इंडिसेस हो जाएगा आपका, इंडेक्स से क्या बन जाएगा, इंडिसेस बन जाएगा। अभी जो ऊपर वाली दो लाइन है उसको भी हम समझ लेंगे। एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके लिखा हुआ है कि सूचकांक का जो अन्य नाम है उसी को आप घातांक बोलते हो एवं घात भी बोलते हो, ठीक है। इसको आप एक्सपोनेंट कहते हो या फिर पावर भी कहते हो। तो सूचकांक कहीं भी लिखा हुआ है, इंडेक्स कहीं भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स पावर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने लिखा एक्स टू द पावर एन, तो इसमें जो है जो घात है, जो सूचकांक है वो आपका क्या होगा और आधार क्या होगा। ओके, आधार आपका x देखने को मिल रहा है, ये आपकी जो है घात देखने को मिल रही है जिसको आप पावर बोलते हो। किसी संख्या की अगर घात निकालने को लेकर के बात होती है, तो मान लीजिए किसी संख्या की घात निकालना और आधार संख्या। देखिए यहाँ पर उदाहरण में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको हम थोड़ा समझते हैं। लिखा है 4 की घात 2, ठीक है। अब 4 क्या है यहाँ पर, जैसे इसमें लिखा है ना कि आधार संख्या क्या है, तो आधार संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी। और अगर घात निकालने को लेकर के बात हो गई, तो इसी आधार संख्या को आप दो, जितनी बार ऊपर लिखा हुआ है इसकी घात में उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। भाई यही तो लिखा हुआ था पहला वाला, क्या लिखा था, आधार संख्या को आपस में कितनी बार गुणा किया जाए। जी हाँ, वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को कितनी बार गुणा किया जाए वो डिपेंड करता है कि उसकी घात कितनी है, उसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर = 6 × 6 आपका 36 जैसे हो जाता है, 5 का क्यूब यानी 5 × 5 × 5 25 × 5 = 125 हो गया। यहाँ पर देखिए जरा फिर से बताया गया, यहाँ 4 स्क्वायर व 6 स्क्वायर में आधार क्रमशः कितने हैं, 4 और 6 हैं, जबकि 2 क्या है, सूचकांक है या घात है, दोनों में सूचकांक या घात कितना है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि जो सूचकांक है, जो पावर है जिसको आप बोलते हो, घात बोलते हो, वो आपका जो है आधार संख्या के ऊपर लगता है। 5 की पावर 3 में घात कितनी होगी आपकी, 3 होगी, जबकि आधार कितना होगा आपका, 5 होगा। अब आशा करते हैं आपको यहाँ से ये बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, वहीं दूसरी चीज़ लेकर के बात की जाए कि आपका जो है घात क्या होता है या जिसको आप सूचकांक बोलते हो वो क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। और इसी सूचकांक का जो बहुवचन होता है उसको आप जो है घातांक कह देते हो, इंडिसेस कह देते हो। थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पर आगे। दोस्तों आपका हिंदी मैंने सब्जेक्ट शुरू कर दिया है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल को आप आज ही ज्वाइन कर लो, बहुत ही बेनिफिट है वहाँ पर ज्वाइन करने की, आपको लिंक्स सीधे मैं दे दिया करता हूँ, सबको इंडिविजुअली मिल जाया करती हैं। ओके, तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्टडी से आप सर्च करिएगा और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों घातांक के नियम की अगर बात की जाए लॉ ऑफ इंडिसेस को लेकर के, तो सबसे पहला नियम क्या कहलाता है, क्या है, 8^0 = 1 होता है। थोड़ा सा इसको परिभाषित करते हैं। लिखा हुआ है कि शून्य के अलावा कोई भी संख्या जिसकी घात शून्य है, ठीक है, शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो जिसकी घात शून्य है, सदैव आधार की राशि को अनदेखा
या फिर प्रवाह किए बिना एक के बराबर होगा। अगर शून्य के अलावा कोई भी संख्या जिसका घात शून्य है, मतलब यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, एक जो लिखा है ना, एक की जगह आपका जीरो नहीं होना चाहिए बस। और कोई भी संख्या अगर लिखी है, मान लीजिए वन लिखा है, वन की पावर अगर जीरो है तो हमेशा आंसर कितना आएगा आपका, वन आएगा इसमें, सॉरी वन आएगा, ठीक है। घात अगर शून्य है तो सदैव जो है कुछ भी हम नहीं देखेंगे कि आधार में है क्या। आधार में अगर 1000 भी आपका लिखा हुआ है, 1000 टू द पावर जीरो, तो आंसर वन ही आएगा। 999 लिखा है तो आंसर आपका वन ही आएगा। ये होता है पहला नियम। दूसरे नियम की चलते हैं इसमें तरफ। ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू होता है 1/a^m। कोई भी संख्या होती है, 2^4 लिखते हो, ठीक है, या 1^4 लिखते हो, तो 1/4 ऐसे करके आप उसको भी लिख देते हो, मतलब 1/ के फॉर्म में वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं। लिखा है यदि किसी संख्या की घात ऋण है तो उसका मूल्य जो है वो सदैव एक अपूर्ण संख्या और भिन्न के रूप में होगा। यहाँ पर देखिए, अगर ऋण दिया हुआ है, 3^-2 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/3² हो जाएगा, इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपकी यहाँ से निकल करके आएगी। तीसरा नियम क्या कहता है, a^m × a^n। समान आधार के साथ व्यंजकों को गुणा करने के लिए एक आधार को लेंगे और उसकी घातों को जोड़ देते हैं। आप क्या करते हो, a^n है, ये आपका क्या हो जाएगा, a^m + n। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो भाई जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, आप a^m + n कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें अगले रूल की तरफ। यहाँ पर देखिए, जैसे दिया हुआ है 5×5^3, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो 5 सिंगल लिखा हुआ है उसकी पावर 1 हमेशा होती है, तो कितना हो जाएगा आपका, 5^1+3 हो जाएगा, ये 5^4, तो 25×25 = 625, ये आपका 625 आंसर आ जाएगा। चौथे नियम की चलते हैं, a^m / a^n, ये हो जाता है a^m - n। अगर जो है यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है 8^1, और उसके बीच में जब मल्टीप्लिकेशन था तो आपने जोड़ दिया था घातों को, यहाँ पर डिवीज़न है तो आप घातों को माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा, a^m - n। जैसे यहाँ पर है आपका, सॉरी यहाँ पर है 4^3/4^1 = 4^3 - 1। चूँकि भाई फार्मूला आपका यही कहता है कि 8^ क्या लिखते हो आप, 8^m - n लिख देते हो। m क्या है आपका यहाँ पर, 3 है, और n क्या है, 1 है, 3 - 1 कर दिया, 4^2, ये आपका कितना आएगा जो है, 4^4 = 16। पांचवा नियम क्या कहता है, a^m, और फिर ब्रैकेट में होल ऑफ में ऐसे लिखा हुआ है, 8^, यहाँ पर m है, बाहर आपका n लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a^mn। उदाहरण में देख लीजिए, एक उदाहरण लिखा हुआ है, y² का होल ऑफ क्यूब लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, y^2 × 3, 3×2 = 6, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। नियम छठे की तरफ बढ़ते हैं, a^m - n, m/n इक्वल टू होता है n√a^m इक्वल टू, ये कुछ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो घातांक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। थर्ड सेमेस्टर में आपका घातांक था, चूँकि अन अकेडमी वाले प्लेटफॉर्म पर मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था, यहाँ पर भी और अच्छी तरीके से आप लोग जान लीजिए और यहाँ से पढ़ते रहिए। लिखा है, बाकी ये पढ़ सकते हो, आधार पर घातांक भिन्न के रूप में होगा, तो आधार को घातांक के रूप में लिख करके हल करेंगे। देखिए ज़रा, 125/2/3 लिखा हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला जो नीचे वाला 3 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका ऐसे लॉग पर क्वेश्चन आया था, और मैंने 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों सवाल कैसे होते हैं वो मैंने आपको बुलेट रिवीजन में और आपका जो मैंने पीडीएफ फाइल्स में प्रोवाइड करा रहा था, दोनों में वो सवाल वैसे ही दिए हुए थे, ठीक है। ये आपका 3 यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 125/2, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 125/2 को बिल्कुल आप 5 लिख सकते हो, 25 चूँकि 3 है ना, आप ये जो बात करते हो एक तरीके से घनमूल को लेकर के, तो 125/25 = 125, 5 निकलेगा, और ऊपर आपका स्क्वायर लगा ही हुआ है, तो 5² कितना हो जाएगा, 25। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। घातांक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करते हैं। 3^4 × 3^5 × 3^-9 × 3^2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसमें BTC 2016 में जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, वही ऊपर था कि आधार आपका समान था तो घातें आपकी जुड़ गई थी। तो 3^4 + 5 - 9 + 2 चिन्ह के साथ में लिखिएगा, जो चिन्ह है उसी के साथ में आप इसको
लिखिएगा, 9 - 9 + 2 हो जाएगा, ये आपका कितना आएगा 3 * 3 = 9। ऐसे ही दूसरे सवाल पर चलते हैं, 4096 की पावर 3/4 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो 4096 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 4, ठीक है, 8 * 9 = 64 = 512 = 4096। और यहाँ पर आपका 8 जो 4 होगा तो ये 4 * 3/4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आया 8 की घात 3, और 8 की घात 3 कितना होता है 8 * 9 = 64 = 512। यानी जो फार्मूला है वो देखिए नीचे मैंने लिख दिया है, चूँकि ये रहा फार्मूला, इसी फार्मूले पर जो है मैंने अभी इसको सॉल्व किया है। आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा आपका इसमें लिखा हुआ है सरल करिए, देखिए आपको अंग्रेजी का लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा, अभी मैंने केवल एक ही लेक्चर पढ़ाया है, उसमें मेथड्स को लेकर के जो आपका टीचिंग मेथड्स है वो मैं बात कर रहा था, नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा। और आप लोग चौथा सेमेस्टर पढ़ते रहिए भाई, पास ये भी करना है ना, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, और बाकी यूपी टेट का मैं जल्दी ही शुरू कर दूंगा आपका जो भी कोर्स है। इसमें 3a(a^5) और a² लिखा हुआ है, देखिए भाई यहाँ पर एक सूत्र है, a^x (a^y) = (a^x + y) भाई a^m (a^n) ये वही लिखा हुआ है, a^m + n, ठीक, सूत्र लगा दीजिए इस पर, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आसानी से आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लग गया है a^m (a^n) का, एक बार जब ये निकल के आया तो क्योंकि आपने कॉमन लिया ऐसे उसमें, तो यहाँ से भी फिर वही फार्मूला लग जाएगा और a^8 आपका आंसर आ जाएगा, तो 3a^8 करके यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें चौथा सवाल लिखा हुआ है 3 * 3/4 = 3/6 आपका है, तो 3 की घात आपका, ये सारी देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातों को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। पांचवा है 256 की पावर 0.16 करके लिखा है और 256 की पावर 0.09 लिखा है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, समय मिला तो ब्लैकबोर्ड पर मैं जो है आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा ऐसे उसमें। तो भाई 256 की घात आपका, देखिए बेस आपका सेम है, घातों को आप जोड़ दो ऊपर का, तो ये घातों को जोड़ने पर 0.25 आएगा, 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो ना भाई, 100 का जो है 1/4 कितना होगा, 25 होता है आप बोलते हो, तो 0.25 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 1/4 है आपका जो है, ठीक है 0.25 हो जाएगा, 1/4 को वैसे भी आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा आपका। और दोस्तों यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एक फार्मूला आपने लगाया था आपको याद होगा अच्छी तरीके से, तो 4 ऊपर चला जाएगा, अंदर में आपका 256 आपका लिखा हुआ है अगर, अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस 256 को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 है ये आपका ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, थोड़ा सा आप आगे बढ़ के एक स्टेप यहाँ भी लिख सकते हो। अब इसमें देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है आपका छठा वाला, इसको आप देखिएगा एक बार करिएगा, बिल्कुल आधार आपका, अब आधार इसमें सेम नहीं है तो आधार को सेम कर लीजिए, कितना 16 * 16 = 256 होता है, तो बस ये इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका फार्मूला लगेगा, और ये 16 मुझे घात समान चाहिए, क्योंकि जब आधार समान होगा तभी हमारी घातें जुड़ेंगी, आधार हमने समान कर लिया और घातें हमारी जुड़ गई, ओके चलिए। और फिर उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके से है, बस उसमें क्या था कि आधार आपका अलग दिया हुआ था जिसको आपको अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज करना था। 16 * 1.75 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 * 175/100, भाई यहाँ पर ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपका 00, क्योंकि 2 डिजिट के बाद आपका यहाँ पर पॉइंट लगा है तो 00 हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आप 16 * 175/100। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको आप डिवाइड करोगे 25 * 7 कितना होगा 175 * 25 = 100, 16 * 7/4, 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 4, 2 * 2 = 4 * 8 = 16, ये हमने इसलिए किया कि ये वाला 4 जो है इस वाले 4 से कट जाए, और 2 की पावर 7 आपका जो है कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आठवां दिया हुआ है 32 * 4/5 दिया है, तो 32 को आप पहले 2 की पावर में उसमें चेंज कर लो 2 की पावर 5, और जब 5 हो जाएगा तो a^m (m)^n इसका फार्मूला लगा दीजिए, 16 आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस हम जब देखेंगे घातांक, करड़ी का घातांक यानी कि इंडेसेस ऑफ सॉलिड्स, उसमें हमको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। नवा सवाल देखिए आपका x^3 * 4 * x^2 = 5, देखिए वही फार्मूला लगा हुआ है आपका a^x^m, ये इसको आप ऐसे भी लिखते हो a^m(n) इक्वल टू क्या होता है a^mn, वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, सॉल्व करिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो करके ये भी आएगा। दसवें सवाल में क्या है, 3a^-2 है और डिवाइड बाई है a^-3/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड का साइन है, इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो ना,
ठीक। अब यहाँ पर क्या है जो है, थ्री को आप कॉमन ले लीजिए तो ए की पावर माइनस टू और ए की पावर माइनस थ्री बाई टू, बस अब डिवाइड के साथ में, डिवाइड का साइन है, आपका आधार सेम है तो घातें आपकी माइनस हो जाती हैं। भाई अभी सूत्र पढ़ के आए हो, बस माइनस आपका लगा दो यहाँ पर, थ्री डिवाइड बाई रूट ए आपका, या फिर आप इसको यहाँ भी यहीं भी आंसर लिख सकते हो, इतना भी आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ये हो गई, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं 11 नंबर सवाल को, 125 के पावर 2/3। अब इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, चूँकि 8 द पावर m माइनस n इक्वल टू होता है n आपका रूट में होगा, और यहाँ a की पावर m इज इक्वल टू n रूट a टू द पावर m हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप लगाओगे फार्मूला बिल्कुल एज इट इज़, यहाँ पर आपका m आपका इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, बस यहाँ पर रख दीजिए इसे सूत्र में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 की पावर माइनस टू को सरल कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसमें लिखा हुआ है ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर एम है, फार्मूला होता है, सूत्र है, आप पढ़ के आए हो, जो नियम है मतलब घातांक के नियम वो है 9 की पावर माइनस टू इक्वल टू 1 अपॉन 9 स्क्वायर, या फिर आप 1 अपॉन 81 इसको लिख सकते हो। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, 13 नंबर, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा, कॉमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ में, अपना जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है जिससे कि उनकी भी हेल्प होती रहे, वो भी पढ़ते रहें पूरी तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपका किसी नए टॉपिक को लेकर के, शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए। और हाँ, यहाँ पर आप जो है उत्तर ज़रूर दीजिएगा भाई, ठीक है, इतनी चीज़ें आप घातांक के बारे में पढ़े हो, आंसर आप कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा इस सवाल का। ओके, थैंक यू।